ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है जनाब। यहाँ बातें बड़ी बड़ी लेकिन मौका मिलते ही विरोधियों के साथ मिलकर सत्ता में बैठ जाने का इतिहास काफी पुराना है। 2022 अभी थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनेता हैं कि अभी से समीकरण बनाने और बिगाड़ने में जुट गए हैं। सियासी उलटफेर के लिए अगर कोई नाम उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा प्रख्यात है, विख्यात है, तो वह है मायावती। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ आकर सीटों का अच्छा खासा गणित तैयार करने के बाद फिलहाल शांत बैठी हुई मायावती को भाजपा बहुत भा रही है। उनके संकेतों से संभावना जाहिर की जा रही है कि वह अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। गुजरात में उपचुनाव हो, उसमें कैंडिडेट उतारना हो, उत्तर प्रदेश में आगामी राजनीतिक समीकरण के लिए उनकी लगातार हो रही बयानबाजी हो, या फिर राजस्थान में कांग्रेस से नाराजगी, हर जगह से यही संकेत मिल रहा है कि उनकी भाजपा के साथ कोई तो डील हो चुकी है। और वैसे भी आजकल बहन जी को सीएम योगी की कार्यशैली काफी भा रही है, उन्हें काफी पसंद आ रही है। आइए आज समझते हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के सियासी संकेतों में बीजेपी के साथ मायावती की दोस्ती की संभावना आखिर पनप कैसे रही है। जैसा कि आपको पता ही होगा, राजस्थान इस समय जबरदस्त सियासी संकट से गुजर रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनकी पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेसी बन जाने के बाद से कांग्रेस को दगाबाज बताना शुरू कर दिया है। उन्होंने सरकार को ही असंवैधानिक और गैरकानूनी करार देते हुए राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग तक कर डाली है। दरअसल कांग्रेस के प्रति मायावती की भड़ास बेवजह नहीं है। जब राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार बनी ही थी, तभी उन्होंने अपने 6 विधायकों के साथ सरकार को बाहर से समर्थन दे दिया था। कांग्रेस ने बाद में इन विधायकों को अपनी पार्टी में ही शामिल करा लिया। बीएसपी के इन विधायकों ने बाकायदा सोनिया गांधी से मिलकर कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता ले ली थी। बीएसपी का मानना रहा कि कांग्रेस ने लालच देकर के और उनके विधायकों को धमकी देकर के उनकी पार्टी से सारे विधायकों को तोड़ लिया। बीएसपी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की थी और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अशोक गहलोत का इस्तीफा तक मांग लिया था। बीएसपी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग भी गई, लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने इस मामले में दखल अंदाजी करने से मना कर दिया था। अब मायावती का दूसरा बड़ा मास्टर स्ट्रोक समझिए। बीएसपी ने इस साल सितंबर में गुजरात में होने वाले उपचुनावों में सभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का फैसला कर लिया है। 2017 के गुजरात चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर जो पार्टी रही थी वो बीएसपी ही थी। दलित वोट बैंक पर मायावती की पूरे देश में अच्छी पकड़ है और विशेषज्ञ मानते हैं कि उपचुनाव में बीएसपी के जो उम्मीदवार होंगे वो नुकसान कांग्रेस पार्टी का करेंगे और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ दलितों को बीएसपी का परंपरागत वोटर माना जाता है। 2019 के आम चुनावों में बीजेपी को प्रचंड सफलता मिली। इस बीच भी बीएसपी के खाते में 10 सीटें आई थी। हालांकि इस चुनाव में बीएसपी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद बहन जी ने सपा से किनारा भी कर लिया। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि मायावती ने लॉकडाउन में मजदूरों की दुर्दशा के लिए सरकार को नहीं बल्कि कांग्रेस को जिम्मेदार माना था। उन्होंने कहा था कि लंबे समय तक देश में शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी को मजदूरों के पलायन का जिम्मेदार माना जाना चाहिए। अगर अपने लंबे शासनकाल के दौरान पार्टी ने मजदूरों के रोजी रोटी की सही व्यवस्था की होती तो लोग दूसरे राज्यों में पलायन ही नहीं करते। इसके साथ ही चीन के साथ सीमा विवाद में भी मायावती ने स्पष्ट कर दिया था कि वह केंद्र की भाजपा सरकार के साथ खड़ी है। तो फिलहाल शायद बहन जी यही सोच रही हैं कि उनके अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में कुछ होने वाला है नहीं। लंबा अंतराल बीता जा रहा है, सत्ता से वो दूर है, इसलिए उन्हें अब एक ही सहारा नजर आ रहा है और वो है बीजेपी का।
वहीं दूसरी ओर बीजेपी को भी उत्तर प्रदेश में किसी सहारे की तलाश है, और यही कारण है कि बसपा को भाजपा में और भाजपा को बसपा में अब कोई कमी नजर नहीं आती। वहीं अगर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बात करें तो वह साफ कह चुके हैं कि किसी भी तरह का गठबंधन वो आने वाले चुनावों में नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें भी कांग्रेस की ओर से ऑफर मिलने की बात भी कही जा रही है। उत्तर प्रदेश का प्रभार संभालने के बाद प्रियंका गांधी जमीनी हकीकत से रूबरू हो चुकी हैं, और उन्हें इतना तो कम से कम समझ ही आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में अकेले दम पर कांग्रेस कुछ कर पाने की स्थिति में है नहीं। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश के साथ आने की पहल भी कर दी है और संदेश भी दे दिया है कि अगर समाजवादी पार्टी तैयार हो तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में भाजपा को रोकने के लिए सपा के साथ आने के लिए तैयार बैठी है। अब कौन किसका साथ दे पाएगा, कितना दे पाएगा और कौन राजनीतिक फायदे और नुकसान के गणित को समझ के आगे का कदम उठा पाएगा, गठबंधन होगा नहीं होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश के नेता अभी से बेचैन हैं। वो चैन से नहीं बैठ रहे बल्कि अंदर ही अंदर तमाम तरह की जुगाड़ें फिट करने में लगे हुए हैं और राजनीतिक गेम तेजी से चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल आगे क्या कुछ होती है, हम सारी अपडेट्स लेकर के आपके बीच आते रहेंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए मीडिया हलचल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।